जब भी हम न्यू प्रोग्राम बनाते हैं तब हम उस प्रोग्राम का सिमुलेशन चेक करते हैं। ये हमारी काफी हेल्प करता है। इसकी मदद से हमें कोई भी प्रोग्राम में गड़बड़ हो वह पता कर सकते हैं। पर यह सिमुलेशन मशीन में कैसे देखते हैं? नहीं जानते तो आज के वीडियो में जानेंगे। मित्रों, वीडियो शुरू करें उससे पहले अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दे, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। सबसे पहले हम प्रोग्राम ओपन करेंगे, फिर हम प्रोग्राम के टॉप पर जाएंगे, फिर यहाँ कर्सर को रख के एक बार इनपुट दबाएंगे, फिर यहाँ हम एक लाइन ऐड करने वाले हैं। कर्सर को ऊपर लेके वेरियस में जाएंगे, फिर यहाँ ब्लैंक पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ सबसे पहले आप कौन से शेप का वेब पीस चाहते हैं वह सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। हम यहाँ सिलेंडर सिलेक्ट करेंगे, फिर दूसरा आपको यहाँ सिलेंडर का डायामीटर देना होगा। हम यहाँ 102 दे देते हैं। फिर यहाँ JD में आपको कितना मटेरियल कटिंग करना है वह डालेंगे। हम यहाँ 2 mm दे देते हैं। फिर नीचे यहाँ सिलेंडर की टोटल हाइट देंगे और जो भी हाइट देंगे वह माइनस में देंगे। हम यहाँ 50 mm दे देते हैं। फिर यहाँ नीचे हम पहले फेस से जॉज तक की दूरी देंगे, अर्थात आप प्रोग्राम में चेक कर ले कि आपने उसमें जेब में माइनस कितना जाने दिया है। हम उससे ज्यादा यहाँ देंगे, हम यहाँ 30 mm देंगे। इतना करने के बाद एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। मित्रों, आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे प्रोग्राम के टॉप पर एक लाइन ऐड हो गई है। फिर हम सिमुलेशन में जाएंगे, फिर यहाँ आप देख सकते हैं जो भी हमने वैल्यू दी थी उस हिसाब से हमारा वर्क पीस आ गया है। हम यहाँ स्टॉप पर क्लिक करके इसे देख सकते हैं। वीडियो के बारे में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।